है बहुत ज्यादा फैल रहा है, एक से दिन को चलते बन ही नहीं रहा, तो जैसा हुआ मैंने करी। फिर कभी भी नहीं सोचा था किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें ये दर्द तकलीफें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल भी ऐसे घसटते हुए गए, घसटते हुए आए हैं। अच्छा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हस्बैंड को जैसे तैसे बाहर, मतलब उनको ना एक पैर में अभी प्रॉब्लम थी, बट अभी उनको दोनों पैर में हो गया, और ये इतना ज़्यादा नसों में तड़क रहा है क्या बताएं। अकेले मैं उनको डॉक्टर के यहाँ ले भी जा नहीं सकती हूँ। देखिए अब सोचा था कि मैं लेके जाऊंगी जैसे कि बताया था उनका बायोप्सी होना, बट कारण ये कि अब उनसे चल एक पैर में तो ठीक है, एक पैर से उठते बैठते नहीं हो रहा था, तो अब वो घसट के चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। मतलब पहले तो ठीक है हम और देव पकड़ के या वो डंडे की सहायता से आ जा रहे थे, पर अभी तो वो एकदम चल के जा रहे हैं कहीं भी। इसे चोरी करना और टक्कर मारना पसंद है। बहुत अच्छी ट्रीसी, हमें सिक्योरिटी कैमरा चेक करने होंगे। वो तो मुझ पे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? देखिए पूरा घर ये गीले कपड़े हैं, कि चार दिन से कपड़े ही नहीं धुले थे, तो जैसे जैसे यहाँ टंगे हैं कुछ, वहाँ टंगे हैं कुछ, यहाँ रात को पंखा चालू छोड़ दूंगी और सारे कपड़े यहाँ पे फैला दूंगी। अभी मैं सोची जब तक कुछ शिफ्ट हो रहा है मैं क्या करती हूँ कि ये सारे बर्तनों को धुल लेती हूँ, है ना, उसके बाद फिर देखते हैं। तो मेरे सामने परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं कि मुझे मतलब कि काम भी करना पड़ेगा, इन लोगों को भी देखना पड़ेगा, व्लॉग भी बनाना पड़ेगा। कल मैंने व्लॉग अपना नहीं बनाया था, यूट्यूब में नहीं डाला था, कोई भी वीडियो बनाया था पर एडिट नहीं किया था, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला और मुझे लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड के साथ रहूं, उनके साथ उनकी हेल्प कराऊं, कहीं जा रहे हैं तो कुछ भी चीज़ों में जैसे है कि मैं उनकी मदद करूं तो ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, आरती मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे साथ ज़िंदगी भर लगा रहेगा, पर अगर तुम अगर वीडियो नहीं डालोगी तो फिर कैसे होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत समय निकाल के वीडियो ज़रूरी डालना। फिर आप लोग के भी कमेंट्स आ रहे थे, आरती सब कुछ ठीक है कि नहीं है ठीक, तो यही प्रॉब्लम इनके साथ थी कि दोनों पैरों में हो गया, और मुझे लग रहा है ये चीज़ ना फैल रही है, कम होने की जगह और फैल रही है। भगवान भोले बाबा सब कुछ ठीक कर दो। और हमने कभी भी नहीं सोचा था कि छोटी मोटी इनको तकलीफ़ें होती रहती। फिर आप लोग भी बोल रहे थे और भी लोगों से पता चलता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये सब होता रहता है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इनको ये सब होगा। और कई लोगों ने बताया कि जिसकी पावर इम्यूनिटी कम रहती है, मतलब ऑलरेडी पहले से व्यक्ति कमज़ोर होता है, उसको ये सब होता है। तो ऐसे देख के तो आपको हस्बैंड बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं दिखते हैं, पर शायद अंदर ही अंदर वो कुछ चीज़ सोचते हैं। और हमें ना कभी भी ये भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसे डर डर की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मतलब हम इतना डर रहे हैं ना, पता नहीं किस चीज़ से हमें डर लग रहा, हमारा डर ही ख़त्म नहीं हो रहा, चाहे वो मेरे हस्बैंड का हो चाहे मेरा हो। कहते हैं ना कि अगर आपका आप कहते हैं अगर मन में एक बार डर बैठ गया वो कभी नहीं हटता। और ट्रांसप्लांट के बाद ये सब होगा ये भी हमने नहीं सोचा था। भगवान भोले बाबा सब कुछ ठीक कर दूँ। मैं ना अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि आप मतलब कि कुछ भी ऐसा मत सोचना, सो खाना बन गया था मैं उनको अब खाना दे दूँगी। आप लोग बोल रहे थे आरती हनुमान चालीसा पढ़िए, यहाँ ले जाइए वहाँ ले जाइए, तो मैं पूजा पाठ है जो वो मैं करती हूँ जो भी मुझसे हो रहा है, पर कहीं ना कहीं कहते हैं दुआ और दवा में भी असर होता है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग भले ही मेरा वीडियो ना देखें पर कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि मेरे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएंगे। मत देखिए मेरा वीडियो, नहीं है आप लोगों के पास टाइम, जैसे कि कुछ कर रहे हैं आप लोग मेरा टाइम नहीं देख रहे हैं, बट हाँ आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए दिल से एक बार प्रे जरूर कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए पहले की तरह, क्योंकि ना हमारा डर ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मैंने इनको खाना दे दिया था साथ में, अब देव को मैं जो भी इसका होमवर्क था मैं वो करा रही थी। बहुत हिम्मत चाहिए ये इस स्थिति में रहकर वीडियो बनाना, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है कि ये सारी चीज़ें मैं कैमरे में कैप्चर करूं और उसके बाद पब्लिक करूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करूँ एक मजबूरी है। सो देखिए सिप को भी अपने पास बिठा लिया, इन लोगों को भी, और ज़्यादातर मैं ना जैसे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम लोग उस कमरे में रहो, तुम लोग मेरे पास क्यों आ रही हो, मैंने कहा नहीं हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे, इसीलिए। तो आपको कुछ बोलना है? हाँ। क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने होमवर्क कर लिया है, देव को मेरी आई थी, देव बोला था मम्मी कल मुझे स्कूल याद से भेजना,
क्योंकि मैं अपना नया बैग सबको दिखाऊंगी कि बेचारे का वो पुराना बैग वहाँ रखा है, बहुत पुराना हो गया। बेचारे ने 2 साल वो बैग चलाया है, पूरे 2 साल बैग। अभी मैं आपको बैग की कंडीशन बताती हूँ। तो बच्चे जैसे हम खुश होते थे ना बड़े में कि हमारा नया बैग है, ये वो है ना। मम्मी आपके पास पैसे नहीं होते थे ये बैग करने के? हमारे पास हाँ। होते थे, ऐसे ही हम लोग चलाते थे 2-2 साल बैग बचपन में। पता नहीं कौन सा, जो भी मिल जाता। तो ये देखो, ये ना ये 2 साल उसने चलाया है बैग, और ये इसको अभी हमने लेके दिया तो उसको बहुत ज्यादा खुश है ना। तो कल आप स्कूल जाओगे कि नहीं जाओगे? क्या तो मैं सारे दोस्तों को यही बात जी नहीं लेकर जाओगे? नहीं। क्यों सर? ये ट्रेन में जाने के है। ट्रेन में जाने वाला किसने कहा? पापा लेके जाते हैं ना, इसलिए। ये ट्रेन में जाने वाला बैग नहीं है। देखो मेरी हाइट से बहुत बड़ी। तो मैंने तो कहा था, तो आप बोलते मेरे को बड़ा बैग चाहिए मम्मी। तो फिर ये वापस कर दे कल। नहीं कल। फिर ले जाओगे कि नहीं? नहीं, एक अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक मैं दोस्त के पास भी था। दोस्त के पास भी था। हाँ। दोस्त का नाम बता दो। उसका नाम है आरुष। नहीं, उन्हें ही लाके देंगा। मैं दोस्त के पास पूरा ये दिए रही हूँ। हाँ, रबड़ लेके आओ उससे, धीरे से छुड़ा के रबड़ दो भैया। देखो दे देगा रबड़ दे दो। वो देखो दे दिया। मम्मी अभी कितना प्यारा है। जमा लो, चलो रख देते हैं। उसके बाद खाना पीना हम खा ले, उसके बाद मिलते हैं ना। मम्मी एक सारे दिन शाम गए सुबह छोटे बैग को। हाँ चलो अपने पास। तो थोड़ा बहुत उसका होमवर्क कराया उसकी देव ने। बहुत सारी पापा को ऐसे बातें चीतें करते रहते तो उनको भी अच्छा लगता है। पर वो ना हम लोग की बात को लगता है कि सुनते आँख से हैं, पर उनके कान दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। वो चीज़ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। और कोई भी व्यक्ति अगर इस सिचुएशन में होगा तो वो इतना ही और इतना ही सोचेगा। तो सो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, तो मैं उनको धूप में फैला वो अंदर पंखे में डाल रही हूं। सीता सीता सीताराम सीता करके बता। सीताराम सीताराम सीता सीता सीता। अब भैया नहीं बता रहा करके। हाँ 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 हाँ। सीता राम सीता राम सीता सीता सी करो आप भी। सीता राम सीता सीता रंद भी काम कर रहा है वो। सीता राम सीता राम भगवान जी का नाम ले रहा है ना। हेलो 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 कैसे करते? अच्छा बात कैसे? तो देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसे घसीट के लेके आना पड़ रहा है उनको। वो बोल रहे थे कि मैं आरती पलंग की सहायता से चला जाऊँगा, पर पलंग की सहायता से वो आ रहे थे ना तो वो और भी ज़्यादा चिल्ला रहे थे। तो मतलब चिल्ला ऐसे रहे थे क्योंकि उनको दर्द हो रहा होगा अगर अपने सहायता से। और ये जो पूरे पैरों में हो रहा है, मतलब पहले एक पैर में था अब दूसरे पैरों में है। मुझे लगता है ये चीज़ ना बढ़ रही है। और जल्दी से जल्दी कोई अगर मेडिसिन तो खा रहे हैं, अब देखते हैं कितने दिन में आराम लगता है। नहीं लगा तो पर ऐसा भगवान जल्दी से आप ठीक कर दीजिए। और देखिए ऐसा कुछ आयुर्वेदिक हमने कोई ऐसा नुस्खा अजमाया नहीं है, क्योंकि यही कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। अपने एडवाइस से हम ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा भी ना कमर में हाथ में दुखने लगा था, क्योंकि अपने बल से तो वो कितना भी कर रहे हैं, पर खुद को भी मेरे को भी करना पड़ रहा है। और दोनों बच्चों को देखिए मैंने सुला दिया है, जैसे तैसे करके हम बाहर ले गए अंदर ले गए। उनको भी ना बेचैनी होती एक ही जगह में रह रहे, तो मैंने कहा अंदर बाहर हो गए तो ठीक लगेगा। कम से कम ये था कि 2-3 दिन पहले जब इनको हुआ था तो एक पैर में था, मैं आप लोग को बता दूँ एक बाल था, एक बाल का टूटा एक फुड़िया थी। टूटा बाल नहीं था, हम लोग को लगा ऐसा कि बाल टूट गया होगा इसलिए फुड़िया हो गई होगी। बट एक के बाद 2 हुई, 2 के बाद 4, इतनी गुच्छों से हो गई, जो कि मैंने आप लोग को बताया था मुझे देखने में इतना डर लगता है सच में। इसलिए फिर मैं बोली कि मैं मेरे को ना एकदम दिल में से कप कप आने लगता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जब मेरे को घबराहट होती है ना मुझे लगता है कि क्या कर लूँ मैं, फिर भी अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेती हूँ कि भोले बाबा आज नहीं कल तो सब कुछ ठीक करेंगे ही करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से अपने, और फिर ब्लॉग एंड करते हैं।
हेलो एवरीवन, तो देखिए इनके ना आज दोनों पैरों में हो गए क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एक से तो इनको चलते बन ही नहीं रहा, तो जैसा हुआ मैंने करी, फिर भी बोल रहे कि मैं कोशिश करके जाऊँगा। आज 3 बार हम बाहर अंदर ले गए। एक्चुअली वहाँ पे मैं है ना, तो थोड़ी जगह पानी चू रहा है स्लाइड से, पहले तो नहीं चू रहा था पर अभी चू रहा है, तो पूरा साइड से बिस्तर गीला हो गया है। मैंने कहा यहाँ पर साइड में ही सो जाओ, साइड में बिस्तर लगा दिया, पर तक ये यहाँ रखा था, वहाँ रख दिया कि ऐसे करके घुमा के आएगा नहीं तो ना। देखिए ये फिर ज़्यादा लेट गए, और देखिए सुबह तो हम और देव ने जस्ते से करके कर दिया, अभी दोनों को ना सुला दी हूँ मैंने, तो ये अभी लेटे हुए हैं। और ना एक पैर में, इसमें आपको बताया हुआ था, इतना ज़्यादा फैल रहा है ना कि दूसरे पैर में वापस से आ गया है। तो एक पैर से तो वैसे भी चुभन जलन हो रही थी, तो चलते नहीं बन रहा था, और आज दूसरे पैर में इसी तरीके से। और ना मैं इनको इतने दर्द में देख रही हूँ, सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। और कभी भी हमने नहीं सोचा था कि मतलब, डॉक्टर को भी हमने बताया, डॉक्टर ने ही बोला कि आराम लगेगा, वो हमसे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं और हम किसी को और दिखा नहीं सकते, उस बोले मेडिसिन खा। और कभी भी नहीं सोचा था किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें ये दर्द तकलीफें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल भी ऐसे घसटते हुए गए हैं, घसटते हुए आए हैं, हमने भी थोड़ी मदद की, वो खुद भी हिम्मत रखे हुए हैं इस कंडीशन में। अब क्या मैं आप लोगों को बोलूं, अभी ना रात का समय हो रहा है, पलंग में चढ़ाना उतारना हमारे लिए बहुत मुश्किल, बहुत 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 मुश्किल। ठीक है, यहीं पे लेटेंगे जैसे से करके, और अगर उठते हैं ना तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, बोलते आरती ये दर्द ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब एकदम कि मतलब क्या हो गया उनको, बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो मैं बोल रही हूँ ना कि चलो आप मिटा दूँ, अच्छे सो जाओ ना, देखो आधे ऐसे सोए हैं, आधे ऐसे, आधे ऐसे, आओ आ जाओ, हैं कैसे सो रहा होगा, चलो थोड़ी सी मत और कर लो ना, तो मत सीधा कर दूंगी इधर, बंद हो जाओ। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम अपने इवेंट, और ये बोल रहा है कि बाद में हो जाऊंगा मैं, मेरी मैं थक गया हूँ, तो वहाँ से आने जाने में थक गया हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोगों से बाद में। पहले सोचा कि उनको बाहर ही सोने नहीं है, पर फ्लाइट से एकदम बौछार आ रही है, पता नहीं आड़ा तिरछा पानी गिर रहा है ना इस वजह से। चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, बाय बाय, ठीक है।